नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो मैंने बनाया है भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र बीकानेर। दोस्तों, इसकी नर्सरी का मैंने विजिट किया था, जो कि बहुत बड़ी नर्सरी है। तो अगर आप पौधे लेने के इच्छुक हों तो इसकी नर्सरी से आप पौधे ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको इसका विजिट कराता हूँ। ये तो थार सोभा खेजड़ी हो गई है ना, और वो क्या है साहब? जामुन क्या रेट है? 20 रुपये। जामुन के भी दे देना, दो दो तीन पेड़ है ना, पांच दे दूं। अंजीर का 5 निकाल देना। अंजीर 5। ये लेसुड़ा है ना साहब, ये लेकिन देसी है ना। ये सहतूत है, ये अनार है, गुलाब, ये लगा रखे हैं नींबू। ये मौसमी है भाई, ये मौसमी लगी हुई है। ये खेजड़ी लगाई हुई है यहाँ पे ग्राफ्टिंग के लिए। खेजड़ी बहुत ही सुंदर नर्सरी है, गवर्नमेंट नर्सरी CIH बीकानेर। खजूर लगा हुआ है। ये इन्होंने खुद का बगीचा लगाया हुआ है, जिसको लेसुआ, लेसुड़ा या गोंदा बोलते हैं, जो कि 20x20 पे, और पौधे से पौधे की दूरी भी 20x20 है, और लाइन से लाइन की दूरी भी 20x20 पे लगाई हुई है। तो इन्होंने दोनों साइड में कहीं बगीचा लगा रखा है, रोड के दोनों साइड। ये फिर यहाँ पे खेजड़ियाँ हैं, जिसमें फली ज़्यादा आती है, लौंग ज़्यादा आती है, और कांटे नहीं होते इसके अंदर। तो इसको बीकानेर यूनिवर्सिटी ने ही डेवलप की थी, जिसको थार सोभा खेजड़ी कहते हैं। ये सारी थार सोभा खेजड़ी है दोस्तों, जिसके अंदर में फली बहुत अच्छी आती है। अभी इसका मौसम नहीं है, अदरवाइज इसके मौसम में इसमें जो लौंग होती है, पत्ते हैं, वो बहुत ज़्यादा आते हैं, जो कि अपने किसान भाई को, पशुओं को खिलाने के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। ये इसमें काम करने के लिए मजदूर लगे हुए हैं, जो कुछ पौधे खराब हो गए हैं उनको निकाल रहे हैं। रोड के सारे इन्होंने एक लाइन लेसुआ की लगाई हुई है। यहाँ पे दोस्तों आंवला जो होता है उसका बाग लगा हुआ है, जो कि काफ़ी पुराना लग रहा है। देखो इनमें कितने अच्छे से खाद वाद दिया हुआ है, और यहाँ पे इनका हर साल में ठेका छूटता है, जैसे टेंडर होता है, वो टेंडर इसका निकलता है आंवला के लिए, लेसुआ के लिए, बेर के लिए। हर साल यहाँ पे टेंडर निकलता है, जो भी लेना चाहे वो ले सकता है। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो था मेरा भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र बीकानेर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।